अभी दोस्तों मैंने इनको डाल दी है रोटी हमारे ग्रीन लॉबर्ड को, और माशाल्लाह से बहुत शौक से खा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हर चीज़ इनको प्रोवाइड की हुई है, मैंने तमाम चीज़ें डालता हूँ, रोटी भी डालता हूँ और माशाल्लाह से एक इनको अमरूद भी डेली मैं डालता हूँ लॉबर्ड को, क्योंकि इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं माशाल्लाह से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। भाइयों आज मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ, आज वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि कल जो हमारी मुर्गी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जो वाकया पेश आया है, उससे बहुत ज़्यादा मेरे दिल को जो है ना तकलीफ़ पहुँची है, क्योंकि अचानक से मैं बिल्कुल ही ठीक ठाक उसको छोड़ के गया था और पीछे से यार बस क्या करें, हमारा जो शेरू है उसने बहुत ही ज़्यादा हमारा नुकसान कर दिया है। बेचारी मुर्गी ने बच्चे भी दिए थे, 6 बच्चे तकरीबन हैं उसके, जो अभी बड़े हो चुके हैं हमारे पास। तो माशाल्लाह से अंडों वाली मुर्गी थी और वो कुड़क भी होती थी दोस्तों और बच्चे भी निकालती थी, तो इसी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख और अफसोस है। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों यहाँ पे हमारी कलोनी माशाल्लाह से बच्चों से अल्हम्दुलिल्लाह भर गई है। ये सिर्फ हमारे 4 पेयर की ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह से, फर्स्ट क्लच इनका अभी मुकम्मल होने वाला है। तो 5 पेयर लगाए थे इस कलोनी में हमने और 4 पेयर ने ब्रीड की थी, 1 ने नहीं की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इन तमाम पेयर के जो बच्चे हैं वो बाहर आ गए हैं, सिर्फ एक हमारा जो वाइट वाला पेयर है इसके बच्चे अभी अंदर हैं। वो मटकी से सामने आपको नज़र आ रहा होगा, बच्चे झांक रहे हैं, तो वो बच्चे अभी थोड़े से छोटे हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से इनका फर्स्ट क्लच जो है वो मुकम्मल होने वाला है और माशाल्लाह से हमारी कलोनी हरी भरी हो चुकी है, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा दोस्तों। ये रही दोस्तों हमारी मुर्गी जो गिफ्ट आई थी हमारी, माशाल्लाह से इसने पेयर लगा लिया है शेरू के साथ, और उम्मीद यही है कि ये बहुत ही जल्द अंडे दे देगी दोस्तों। और ये रहा हमारा प्यारा डायमंड दोस्तों, आज है ना इसकी हमने जो रस्सी है वो चेंज की है माशाल्लाह से, न्यू रस्सी लेके आए हैं इसके लिए, माशाल्लाह से इसकी रस्सी चेंज कर दी है हमने। आज दोस्तों हमने अपने तमाम जानवरों की जो रस्सियां हैं वो चेंज कर दी हैं, न्यू रस्सियां लगा दी हैं सबको, माशाल्लाह से शौक करें दोस्तों। बस दोस्तों कल वाली बैड जो न्यूज़ आई है बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ पहुंची है उससे, ये भाइयों इधर हमारी बकरियां भी शाम का अपना खाना खा रही हैं माशाल्लाह से। और दोस्तों अभी हमें इंतज़ार है अपनी बकरियों के बच्चों का, नन्हे नन्हे बेबीज़ आएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, हमारी फैमिली का हिस्सा बनते रहिए दोस्तों और इन्जॉय करते रहें दोस्तों। आपकी ही सपोर्ट से हम इंशाल्लाह बहुत ही बड़ा सेटअप बनाएंगे यहाँ पे, और हर किस्म का जानवर और परिंदे ज़रूर लाएंगे, आपने हमारा साथ देना है दोस्तों। इधर दोस्तों हमारे पिजम्स के जो बेबीज़ हैं वो नीचे आ चुके हैं माशाल्लाह से, दोनों बेबीज़ बड़े हो गए हैं और माशाल्लाह से ये दोनों ही नीचे आ चुके हैं, ये चेक करें दोस्तों, ये माशाल्लाह से नीचे आ गए हैं अभी ऊपर से। ये इनकी माँ है दोस्तों और ये इसके ही बेबीज हैं दोनों, तो ये अच्छी खबर है। हमारे 2 पिजन्स और हो गए माशाल्लाह से। भाइयों ये है हमारा शेरू, इसने जो है ना बहुत कल हमारा नुकसान कर दिया है, ये इसके आप अभी भी देखें खून सूखा हुआ है इसके गालों पर, इसने बहुत भाइयों का नुकसान कर दिया यार।
अभी इसको भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये भी बेचारा जानवर है, तो इसका भी कसूर नहीं है। साथ में फिर ये हमारी चमकीली, ये भी साथ में मिल गई थी कल, तो इन दोनों ने बहुत जुल्म किया है उस बेचारी पे। तो उसको कल मैंने ज़िबा कर लिया था मुर्गी को, हमारी मुर्गी को, क्योंकि वो बिल्कुल उसका एंड हो चुका था। तो ये शेरू साहब की जो है ना, यहाँ पे दोस्तों हमारे इस डाव के पेयर की फर्स्ट टाइम ब्रीड थी, तो इनके अंडे दोनों ही फर्टाइल थे, लेकिन बाज ने इनको जब से डराया है तो इन्होंने अंडों पे बैठना छोड़ दिया था, तो इनके अंडे भी प्रोसेस वहीं ख़त्म हो गया, अंडों में बना हुआ था प्रोसेस। तो इनके अंडे मैंने कल तोड़ दिए हैं, ये भी बैड न्यूज़ है क्योंकि दोनों ही अंडे फर्टाइल थे दोस्तों। बस सर्दी बहुत थी तो ये बैठना छोड़ गए थे डर की वजह से, तो इसी वजह से वो अंडे मैंने तोड़ दिए हैं। अभी दोस्तों इस केज की भी अपडेट आपको दे देते हैं। यहाँ पे दोस्तों माशाल्लाह से हमारे डायमंड डाव ने दो एग ले किए हुए थे, तो आज दोस्तों मैंने एग चेक किए हैं, तो एक अंडा इसका फर्टाइल था और एक अनफर्टाइल था। तो अनफर्टाइल अंडा मैंने तोड़ दिया है और एक ही अंडा इसके नीचे, और माशाल्लाह से उसमें दो तीन दिन में बेबीज आने वाला है। अभी फ्रेंड्स शाम होने वाली है हमारे पास, तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।